तो चलो बच्चों, इस वाले सवाल को देखो प्यारे बच्चों। एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास यहाँ से कैपिटल एम है और वो F4 से पुल किया जा रहा है। ये एंगल कुछ फाई है ये। तो इफ म्यू, यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ये जो सरफेस है वो म्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करता है काइनेटिक में, और ब्लॉक आगे जा भी रहा है। तो ब्लॉक अगर आगे जा रहा है तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पे? सबसे पहले मैं उन फोर्स के बारे में यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो नंबर ऑफ फोर्सेज अगर तुम देखोगे यहाँ पे इस ब्लॉक पे, कुल फोर्स लग रहा है F का एक कंपोनेंट ब्लॉक को आगे खींचेगा जिसका नाम होगा F cos φ। F का एक कंपोनेंट ब्लॉक को ऊपर खींचेगा जिसका नाम होगा F sin φ। और यहाँ से इस पे फिर MG, कैपिटल MG ग्राउंड लगाएगी, और ये जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो नॉर्मल N ऊपर लगाएगा। साथ साथ यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन भी पीछे लगेगा। तो ये ब्लॉक जा रहा आगे, समझ रहे ना, ये ब्लॉक जा रहा आगे। ऐसे 2D व्यू में देखोगे तो ये सारे फोर्स लग रहे हैं इसको, और ये ब्लॉक आगे एक्सलेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर ब्लॉक आगे एक्सलेट हो रहा है तो सबसे पहला इक्वेशन तो यही बना, वर्टिकल में नो मोशन है, समेशन ऑफ फोर्सेज अलॉन्ग वाई एक्सिस इज जीरो, सो नॉर्मल मस्ट बी नॉर्मल प्लस, ठीक है, नॉर्मल प्लस F sin φ मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल MG के इक्वल होगा। मतलब नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल MG माइनस F sin φ के इक्वल होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर तुम यहाँ से देखोगे तो, अगर यहाँ से तुम देखोगे दूसरी इक्वेशन यहाँ लिखो, तो दूसरी इक्वेशन लिखोगे एक्सलेट हो रहा, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या होता है? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, फोर्स लिख लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन, और फोर्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी F cos φ माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक हॉरिजेंटल में, ठीक है ना। तो यहाँ से F cos φ और फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ आ जाएगी -μn। तो यहाँ से F cos φ और -μ, और n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से mg माइनस F sin यहाँ से फाई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर कॉमन ले लो, जो कॉमन है F cos φ यहाँ आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस F μ, यहाँ से sin φ इधर दिखेगा और -μ कैपिटल MG इधर दिखेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमें चाहिए देखो, मतलब हमें चाहिए देखो, हमें चाहिए एक्सलेशन। तो एक्सलेशन अगर तुम देखोगे यहाँ से μg फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो mg के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ से तुम देखोगे कुल मिला के m यहाँ से निकाल लेते हो, देखो m कहाँ पर है। यहाँ से तुम अगर f निकाल लेते हो तो यहाँ बचेगा cos φ और प्लस μ sin φ यहाँ बचेगा, ठीक है ना। और माइनस यहाँ पर तुम देखोगे तो μmg यहाँ बचेगा, ठीक है। और दिस इज द एक्सलेशन, टोटल में डिवाइड कर दो मास से। तो एक्सलेशन की वैल्यू आ गई F/m यहाँ से cos φ, ठीक है ना, प्लस μ sin φ एक ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस μg इधर आ जाएगा। दिस इज द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कैलकुलेशन। तो आफ्टर कैलकुलेशन तुम देखोगे यहाँ से μg आया ना, हाँ μ sin φ आया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है। थैंक यू।